हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आए हैं सूरत के साइंस सेंटर में, और ये देखा जाए तो किड्स के लिए काफी अच्छा है। इसमें 5-6 सेक्शन है, प्लेनेटोरियम है, एस्ट्रोलॉजी है, साइंस फन है, इस तरह से 5-6 सेगमेंट है। तो आज हम इन सब का विजिट करते हैं और देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। तो गाइस, साइंस सेंटर का जो थीम है नो योर वर्ल्ड, अपनी दुनिया को जानो। तो चलिए हम भी अपने यूनिवर्स, अपनी दुनिया के बारे में थोड़ा नॉलेज अपग्रेड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये इसके बाहर का व्यू है गाइस, ये काफी बड़ा बना हुआ है, ये सिटी लाइट एरिया में है। ये है बुकिंग ऑफिस, अडल्ट्स के लिए 100 रुपीज एंड किड्स के लिए 80 रुपीज चार्ज है। ग्लोब इसमें सूरत का कनेक्टिविटी दिखाया गया है कि इंडिया में किस तरह से अंग्रेज फर्स्ट टाइम सूरत में आए थे व्यापार के लिए। तो गाइस है तो काफी बड़ा स्पेस है इसके अंदर। ये देखिए गाइस, साइंस सेंटर का जो टाइमिंग है वो अप टू 4:30 है, और यहाँ घूमने में लगभग 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं। तो यानी आपको लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, तभी आप इसका पूरे 5-6 सेक्शन जो है वो सभी सेक्शन देख पाएंगे। दिस शोज हाउ वी डेवलप्ड, ह्यूमैनिटी हैव इवॉल्वड। और वैसे SMC का जो एक चीज के लिए मैं काफी बड़ा फैन हूँ वो है स्क्रैप से कुछ ना कुछ नई नई चीजें बनाना। और ये देखिए, ये बड़ी मजेदार लग रही है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो इसका थीम है यहाँ का, SMC काफी अच्छा काम करती है इस मामले में। तो भाई इसमें जो 4-5 सेक्शन जो है सब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही है, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे नीचे एंट्री पार्किंग जो है वो अंडरग्राउंड में है। तो 6 में से 4 सेक्शन तो यहाँ पे है। सिटिंग अरेंजमेंट का भी अपना एक थीम है, उसमें भी नॉलेज है शेप्स के बारे में। ये है हाइपर पैराबोला, और ये है सूरत की स्मार्ट सिटी का रोड मैप। सूरत कैसल जो अभी हाल फिलहाल रिनोवेशन के लिए बंद है, बट इसको जरूर जाएंगे। चलो चले मित्रवा, चल भाई गुरु आगे आगे चल। फन साइंस गैलरी, ये है फन साइंस गैलरी। एनर्जी बॉल, कोई फ्लोटिंग बॉल दिखाओ, चालू करो, ये बटन दबाओ ग्रीन वाला, देख जादू। एरोडायनामिक्स प्रोफाइल लिफ्ट कैसे होगा, यहाँ हम छोटे हो गए और यहाँ हम लंबे हो गए। हेड ऑन ए प्लेटर, फ्रोजन शैडो, उधर गई। हम चलेंगे प्लेनेटोरियम में और अपने सोलर सिस्टम को जानेंगे थोड़ा। रोहिणी का तापमान सूर्य की तुलना में कम है। आप जानते हैं सूर्य की सतह का तापमान 5,500 अंश सेल्सियस होता है, तो रोहिणी का है 4,000 अंश सेल्सियस।
नेपच्यून पे सबसे हैवी कहाँ हो तुम? जुपिटर पे 136। अर्थ पे अच्छे हो आप, चलो। ये सब खाने पीने का सामान जो हम ले जा सकते हैं, रॉकेट, स्पेस शटल, ओरिजिनल वॉक कर सकते हैं। स्पेस वॉक कैसे होता है वो पता चले। यहाँ पे किड्स गैलरी, लेकिन ओनली बच्चे अलाउड है इसमें। इधर इसका एंट्रेंस, पेरेंट्स को बाहर खड़े रहने, लेकिन अच्छा लग रहा है। यहाँ पे है 3D थिएटर जो कि बंद है काफ़ी समय से। हरियाणा म्यूजियम, ओवरऑल 3D थिएटर बंद है, बट ये 3D शो एक होता है। 60 रुपीज चार्ज है, अगर 3D सहित लेंगे तो 160 टोटल चार्ज है पर टिकट। और वेस्ट से बेस्ट का एक और नमूना, ये वेस्ट वाला गरुड़ा। गरुड़ा है कि कौवा है समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा लग रहा है। पापा। ये है इलेक्ट्रिकल स्पीकिंग ट्यूब, अभी आपने ये सुना। हस्तकला है आज का बोनस ऑफर, तो ये आज का बोनस है अपने ट्रिप का। नॉर्थ ईस्ट रीजन की हस्तशिल्प कला की एग्जीबिशन लगी है भाई साहब, तो बना भी रहे। और ये सुपारी 50 रुपीज़ ये ला लेगा। गुजरात के आदिवासी रीजन की जो भी कला है उसको प्रोत्साहित करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर यह है। ये अंकल का नेल पेंटिंग, अंकल एक बार बना के बताएंगे इस पर छोटा वाला वापस। अंकल का 20-30 सेकंड का मेहनत है। आप इसमें ना सबसे मजबूत वाला बता दो। ये था हमारे लिए आज का बोनस। हमारा साइंस सेंटर एक्टिविटी ऑलमोस्ट ओवर हो गया था, उसके बाद हम इस एग्जीबिशन में आ गए। ये मोस्टली नॉर्थ ईस्ट रीजन से वहाँ के मटेरियल से रिलेटेड का एग्जीबिशन है, तो बड़ा अच्छा, मतलब काफ़ी काम की चीज़ें भी आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।